अच्छे संस्कारों से बच्चों का जीवन फूल की तरह खिलने और महकने लगता है। बचपन में बच्चों को जो संस्कार मिल जाते हैं वो जिंदगी भर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसीलिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने विद्यार्थी शिविरों के जरिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का दैवी कार्य शुरू किया। गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में सैकड़ों शिविरें लगाई जाती हैं और लाखों बच्चे इन विद्यार्थी शिविरों का फायदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद आश्रम में 12 से 14 अप्रैल को नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी के पर्वमय दिनों में यहां विद्यार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें साध्वी रेखा बहन और रामा भाई ने शिविर में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आइए देखते हैं शिविर के कुछ झलकें। गुरु गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन सदगुरु एक ही होता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो स्वयं जीवन मुक्त है और उनके साथ में जो आएगा वो भी जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर के इलाकों से आए इन बच्चों ने शिविर का खूब आनंद लिया और पूज्य बापूजी से जल्द ही सारस्वती मंत्र दीक्षा मिले ऐसी इच्छा भी व्यक्त की। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने अभी तक बापूजी से दीक्षा नहीं ली है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं ताकि हम सभी छात्र छात्राएं उनसे दीक्षा ले सकें। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी दीक्षा नहीं ली है, मैं ऐसी आई हूँ बापू जी के देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा होता है। हम जब घर पे रहते हैं छुट्टियों में तो हमारे जो छुट्टियाँ हैं ऐसी खेल कूद में व्यर्थ निकल जाती हैं, लेकिन शिविर में आते हैं तो शिविर में हमें आने का बहुत फायदा है। शिविर में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं यहाँ नहीं आता था और पिछले 3 बार से मैं यहाँ पे शिविर में आ रहा हूँ, जिसके यहाँ पे आने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा है। हमने यहाँ पे योगा, खेल कूद सीखे और बड़ों का सम्मान करना सीखा। अप्रैल, मई और जून के महीनों में देश भर के सभी आश्रमों में इन शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप भी अपने बच्चों को सशक्त, संयमी और स्वस्थ बनाने के लिए नजदीकी आश्रम में संपर्क करके वहां पर होने वाले विद्यार्थी शिविरों का लाभ अपने बच्चों को अवश्य दिलाएं।